हेलो गाइस, वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है एक और ड्यू स्टम्बल वाइज की वीडियो के साथ। तो फिर अभी इस वीडियो के शुरू होने से पहले मैं आप सभी को एक बहुत ही बढ़िया बात बताना चाहता हूँ, वो ये है कि मैंने अपने चैनल पे शॉर्ट वीडियोस डालना स्टार्ट की है। और अभी अभी जो मेरी लेटेस्ट स्टम्बल इसकी जो शॉर्ट वीडियो है, जो भी मैंने अभी एक वीडियो में से निकाली थी, वो उस वाली वीडियो पर बहुत ही ज़्यादा बढ़िया व्यूज़ आए हैं जितने आज तक मेरी और किसी वीडियो पर नहीं आए। तो फिर उस मेरी इन शॉर्ट वीडियोज़ को बहुत ज़्यादा प्यार देने के लिए वैसे थैंक यू। हाँ, वैसे शॉर्ट वीडियोस पे जल्दी व्यूज़ आ जाते हैं, ये भी बात है क्योंकि वो छोटी होती है। तो छोड़ो, वैसे ये अभी मैंने न्यू चीज़ ट्राई की थी तो उसको प्यार देने के लिए बहुत ज़्यादा थैंक यू। अब तक यहाँ पे ये मैच शुरू हो चुका है। वो अभी जो मेरी लेटेस्ट शॉर्ट वीडियो थी उस पर 707 के करीब कुछ व्यूज़ आए थे और मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा कि एकदम से ऐसे हो कैसे गया। सही में, अरे भाई, अरे अरे, ओके बच गया। एक और बॉल आएगी अभी, मुझे पता है, लेकिन साइड से निकल जाता हूँ। आई थिंक सो मैं गलत था, साइड से निकलना नहीं चाहिए था मेरे को, लेकिन फिर भी बच गया मैं और इसी के साथ आगे बढ़ता हूँ। ओके गाइस, तो अभी मैं सोच रहा था कि मैं ब्रॉल स्टार्स खेलूँ दोबारा से, लेकिन सच बताऊँ तो अभी मैं ब्रॉल स्टार्स के अंदर दोबारा से नूब हो गया और मुझे वो गेम्स नहीं खेलनी जिसके अंदर मैं नूब हो जाता हूँ। नहीं, आई मीन वो मैं खेल तो सकता ही हूँ। ओके, क्वालीफाई कर गया, फोर्थ पे क्वालीफाई कर गया गाइस। वैसे अगर आपको लगता है कि मेरी किसी वीडियो के अंदर से मुझे शॉर्ट निकालना चाहिए, कि वो ये पार्ट पूरे एक शॉर्ट वीडियो में कंसीडर किया जाना चाहिए, मतलब मैं उसको किसी शॉर्ट वीडियो में रखूँ, तो फिर वो आप कमेंट में बता देना, मैंने ये सोचा है। ओके गाइस, टाइम आ चुका है सेकंड राउंड का, देखते हैं सेकंड राउंड में क्या जाने वाला है। तो गाइस, मुझे नहीं पता स्टम्बल गाइस के अंदर ऐसा कभी कभी क्यों होता है। कभी कभी ऐसा होता है पहले राउंड के ओवर होने के बाद, जब वो सब नीचे गिर जाते हैं ना, आई मीन जितने भी एलिमिनेट होते हैं वो सब नीचे गिर जाते हैं, उसके अंदर डांस करते जाए, चाहे मेरा नेट कितना भी बढ़िया हो, मैं डिसकनेक्ट हो जाता हूँ पता नहीं कैसे। मैं इस वाली प्रॉब्लम से थोड़ा सा गुस्से में था, तो इसलिए मेरे को काइंड ऑफ मैं बार बार स्क्रीन को क्लिक करता रहता हूँ कि प्लीज़ डिसकनेक्ट मत होइयो। ओके, ये वाला मेरा फेवरेट मैप है, काइंड ऑफ ओके, इसीलिए मेरा फेवरेट मैप है। आप लोगों ने देख ही लिया क्यों नहीं, तो ऐसे जिस मैप को मैं बढ़िया बोलूँ ना, मैं उसी मैप के अंदर घटिया खेल जाता हूँ, वो मेरा कुछ नहीं पता। तो देखो, मैं ऐसे बढ़िया इसलिए बोल रहा था क्योंकि ऐसे मैं इसमें आता हूँ, पहले जब लेज़र आती है उसके ऊपर से जंप तो हमें करना ही होता है, तो मैं थोड़ी पीछे खड़े होके, तो मतलब मैं ऐसे थोड़ी पीछे खड़े हो जाता हूँ ताकि बाकी लोग मर जाएँ। और जब ऐसे 7 एलिमिनेट कर जाए, जितने अमाउंट के एलिमिनेशन चाहिए, आई मीन 7 ही चाहिए, 7 एलिमिनेट कर जाए उसके बाद, तो बाकी जब मतलब मैं क्वालीफाई कर जाऊँ, इसलिए वो मैप मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ओके, लॉस्ट टेम्पल, खोया हुआ मंदिर, क्या होगा अब इसमें, इतना तो मुझे समझ आ गया। इसमें वो क्वालीफाई करना मुश्किल है क्योंकि ये 1 क्वालीफायर का है, लेकिन फिर भी मैं आगे बढ़ रहा हूँ। और अरे अरे यार, ये हमेशा का है इसका, अब इससे ऊपर नहीं कूदा जा रहा, कम ऑन जल्दी। अच्छा है, मैं टाइम पे आगे निकल गया, अभी 2 लौंडे और आगे भाग रहे हैं। ओके, वहाँ पर वेट करना चाहिए था, इधर से ध्यान से। ओके, पहले इस लॉस्ट टेम्पल, ये वही मैप है जिसमें पहले मैं बहुत ही ज़्यादा घटिया था, अब मैं बढ़िया हो गया फाइनली। अब पड़ेंगे मुक्के भाई, बच के नहीं, वेट। ओके गाइस, तो अभी वो मेरी ना इस गेम के अंदर अभी एक मैंने न्यू आईडी बनाई थी, आईडी मतलब अभी मैंने इस गेम को मतलब डिलीट कर दिया था थोड़े से टाइम के लिए, उसके जब मैंने दोबारा डाउनलोड किया ना, तो अभी मेरे पास प्ले गेम्स नहीं है जिससे मैं इसमें दोबारा से लॉग इन कर सकूँ। तो तब तक ले मैं ये बात बता देता हूँ कि इसमें अब मैंने अपना न्यू नेम शेडी कीरा डाला है, आई मीन मुझे खुद नहीं पता मैं अपनी हर गेम में कीरा ही नाम क्यों डालता हूँ, डेथ नोट कंप्लीट की हुई भी बहुत टाइम हो गया। इसी के साथ नेक्स्ट मैच की बारी, ओके देखता हूँ कौन सा मैप मिलेगा। वैसे गेम के अंदर ना मैंने नोटिस कर रखा है कुछ मैप्स ऐसे होते हैं जो फर्स्ट और सेकेंड राउंड पर मिल ही नहीं सकते। और ये है जो फर्स्ट राउंड या सेकेंड राउंड पर ही मिलता है, एक बार ये मुझे थर्ड राउंड पर मिल गया था मुझे याद है, और मैं जीत गया था, बहुत ही बढ़िया था वो मैच। अरे बीच में कहाँ जाता है भाई, मंडे आगे बढ़ जाया कर, वहाँ बीच में ना जाया जाए। ओए ओए, नहीं मुड़ 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 मुड़, गलती कर दी बेटा तुझे बोल के, लेकिन ठीक है बच गया मैं। अच्छा, ये येलो येलो डंडिया यहाँ पे लगी पड़ी है, ये येलो वाली डंडिया लगी पड़ी है, नहीं तो भाई मुश्किल ही हो जाती। एक तो ये स्नो बॉलिंग से बच के रहना है, कहीं से भी घूमती आ जाएगी अगर एक बार ये पड़ जाती है ना। ओके, अरे ध्यान से, अरे एक पहली बार इस जगह पे तो मेरे को हमेशा ही फिसलना है, लेकिन नहीं, अच्छा कुछ अलग नहीं है इस बार भी, सेम ही है, पहली बारी में हमेशा फिसलना है। अबे क्या हो रहा है,
ध्यान से, ओ पहुंच गया, यस। और अब यहाँ से सीधा मैं निकल जाता हूँ। अरे कहाँ से दो क्वालिफाई हो गया यार, मुझे भी आने दो, मुझे भी अंदर ले लो, ध्यान से। ओके थर्ड पे क्वालिफाई करना है मुझे, प्लीज प्लीज पहुंच जा अंदर। और इसी के साथ अरे कूद इससे, मैं कूद, अरे खड़े हो जा यार, हट यार। ओके कर गया मैं, फिफ्थ पे क्वालिफाई कर गया मैं। वहाँ थर्ड पे मतलब मैं अंदर जा ही सकता था एकदम से, वो जिस स्टाइल में वो नीचे गिरा ना उससे कूदा नहीं गया, नहीं तो मैं हमेशा लास्ट में जाने के बाद अंदर कूदता हूँ। अच्छा ध्यान से, अरे कम और यार, ये कौन है ये? ओके एक ये कर सकता था ये प्लेयर, प्लेयर ZCCP1WA, बढ़िया खेल रहा है, कर जाएगा, कर जाएगा इस बार, कर जाएगा, यस। मैं दूसरे को भी कभी हारता हुआ देखूँ ना मुझे बहुत बुरा लगता है। ओके मैं पॉजिटिव वे में कह रहा था, मेरे कहने का वो मतलब नहीं है दूसरे को हारता हुआ देखूँ मतलब मुझे गंदा लगता है, सर ये नहीं मतलब कि मैं हार जाऊँगा, मैं पॉजिटिव वे में कह रहा था। ओके नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट कौन सा आएगा। ओह आ गया हम्बल स्टम्बल। ओके ये भी एक टाइम का ऐसा राउंड था जो कि मुझे पसंद नहीं था लेकिन अब ठीक है। ओके यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अरे इतनी सारी भीड़, कहाँ कहाँ लेके जा रहे हो यार मुझे, मुझे तो सब जगह भीड़ ही लेके जा रही थी, मुझे तो साइड वाले पे जंप करना था, क्या है यार ये, सब जगह भीड़ ही लेके जा रही थी यार। ओके अब थोड़े कम लोग हैं, अब मैं आगे बढ़ सकता हूँ इजीली, डबल जंप। और यहाँ पे एक और आ जाएगा, अब ये है, कम ऑन यार इजीली। अरे गलत जगह पे, गलत तरीके से वहाँ पे आ गया। ओके जल्दी से अंदर, अंदर आना था। ओके इतनी जल्दी पांच क्वालिफाई भी हो गए, थोड़ा तो रहम करो कुछ नूबड़ों पे। अंदर नहीं हो, ध्यान से वहाँ से अगर नीचे करूँगा तो सीधा दोबारा जाना पड़ता है, यस यही थी मेरी प्लानिंग। मैं ज़्यादातर ना ऐसे करता हूँ कि वो जो ये जो सेकंड वाला जो बॉक्स रहता है ना जहाँ पे ये जो सेकंड वाली वैसी जगह होती है ना, मैं सीधा वहाँ पे जाता हूँ और जब वो मेरे को धक्का मारता है मैं थोड़ी आगे की तरफ होके गिर जाता हूँ। भाई ये क्या था, मैं क्वालिफाई हुआ भी लेकिन और नहीं भी हुआ, मैंने सीधा वहाँ अंदर जंप किया। एक सेकंड मुझे देखना है अपने आप को पहले, इनमें से किसी को पहुँच जाने दो। हाँ यहाँ पे सीधा, अरे हटना, कैमरा मोड़ नहीं सकते, ऐसे मुड़ जा सकता है वो, देखो वहाँ पे मैं अभी भी भाग रहा हूँ, अभी भी मैं भागता हूँ, वो दिख रहा हूँ वहाँ पे, ये क्या है, वॉट वॉज दिस, समझ नहीं आया। वो वहाँ पे मैं अभी भी भागता हूँ, वो दिख रहा हूँ, मतलब मैं क्वालिफाई हुआ भी और नहीं भी हुआ। मैंने सीधा अंदर जंप किया, फिर डंडी से टकराने के बाद मैं वो क्वालिफाई लिखा हुआ आ गया और मैं टकराया, फिर ऐसे पीछे जाके नीचे गिरा, वो रहा मैं छोटा सा भाग रहा हूँ अभी भी, ये था क्या। ओके जो भी था बढ़िया था, मैं क्वालिफाई कर गया, मैंने सीधा उस डंडी में जंप किया, फिर वहाँ से टकरा के मैं पीछे आ गया लेकिन मैं क्वालिफाई हो गया। अभी भी वो वहाँ पे वो मुझे भागता हुआ दिखा रहा है या भाग रहा हूँ पता नहीं क्या। सही में यार ये फूटी किस्मत है, मैं अंदर गया डंडी से टकरा के वापस बाहर आ गया और उसने मेरे को फिर आके क्वालिफाई भी नहीं करने दिया, मैं फिर से डिस्कनेक्ट हो गया। ओके गाइस ये सब तो मजाक था, अब यहाँ पे असली सीरियस गेम प्ले खेलूँगा मैं। और यहाँ पे 32 में से 31 आए लेकिन इसने आगे बढ़ा दिया, मैंने अभी भी ऊपर नोटिस किया 31 आए हैं प्लेयर्स, यानी कोई ऐसा तो नहीं एक बॉट होगा। ओके वैसे अगर इस गेम के अंदर कोई बॉट भी हो रहा है इसमें और फॉल का इसमें यही चीज़ है शायद, मुझे ऐसा लगता है शायद कहीं से सुना था मैंने कि अगर बॉट हो भी ना तो फिर वो मतलब पहले राउंड में ही हार जाएगा क्योंकि फिर उसके बाद बाकी जो नेक्स्ट राउंड है उसमें सब रियल प्लेयर्स ही जाएंगे। ओ रे कितनी आगे बैठे हो यार, तो ये सबसे आगे वाली प्लेयर्स के साथ में चल रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ, अरे हटना, और उम्मीद करता हूँ कि इन्हीं के साथ में चलते रहूँ। हाई लिख रहे हैं, हाँ हाँ लिख रहे हैं, मैं कभी भी इनको सेंड नहीं करता, मैं कभी भी ये हाई हाँ हाँ इमोजीज कभी सेंड नहीं करता, ये इमोजी सेंड करना ना इतना बढ़िया नहीं रहता। ओके इस बस वैसे शेडो को ध्यान दे रहे हैं, शेडो के शेडो से मतलब थोड़ी सी पीछे खड़े हो रहा है यहाँ पे और जैसे ही मौका मिले एकदम से आगे भाग जा रहे हैं। ओके बढ़िया लगा मारा और इसने, और ठीक है फोर्थ पे क्वालिफाई, अच्छा ठीक है फिफ्थ पे कर जाऊँगा, ठीक है कर गया क्वालिफाई एकदम में पहुँचा आगे की तरफ, दो लोग खड़े थे मुझे लगा फोर्थ पे, मुझे लगा आई मीन फोर्थ पे कर ही जाऊँगा क्योंकि एक अंदर जाने का था ही एकदम अंदर, बापू पॉप ये क्या नाम था उस बंदे का, ये रख बापू पॉप। अरे यहाँ पे
ऐसे मूवमेंट पे आके वो एलिमिनेट होने पे इतना बढ़िया नहीं लगता ना, सही में बुरा लगता है दूसरों के लिए भी। ओके देखता हूँ सेकंड राउंड कौन सा है, एंड बेटर लक नेक्स्ट टाइम जो सब भी नहीं कर पाए। अरे जल्दी दिखाना क्यों तड़ पाता है। अरे ये वाला ओके, तो ये एक ऐसा वो ये एक ऐसा मैप है जिसमें मैं कुछ कोई गारंटी नहीं दे सकता कि मैं कैसे खेलूँगा। सबसे पहले आगे बढ़ते हैं। और ये बम किसने छोड़ा पे, कौन था ये? और वो एक तो मैं ही नीचे गिरा। ओके उल्टी किस्मत। तो मैं ज़्यादातर वहाँ पे जाता हूँ जहाँ पे कोई भी नहीं आया है, मतलब उस फ्लैग को कैप्चर करने के लिए। जैसे ये उनकी टीम के तो कोई भी फ्लैग नहीं बनने देना चाहता मैं। ओके वहाँ से कोई आ रहा है, मैं उधर चलता हूँ। अरे अरे उधर नहीं जाना मुझे, अभी इधर ही रहना है। इधर कोई आया तो पता लगा बेटा मेरा फ्लैग कैप्चर करेगा तू। ओके बॉम्ब छोड़ दिया उसने, लेकिन फिर भी ठीक है। वो फ्लैग अभी वो मेरी टीम में है। ये जो ये वाला जो राउंड है ना, इसके अंदर पूरी टीम को एक साथ मिलकर खेलना पड़ता है। जैसे वो स्टंबल शॉकर है, इतनी बड़ी बॉल होती है, एक बंदा एक हेला लेके जा नहीं सकता, या फिर कभी कभी लेके जा भी सकता है। यहाँ पे आ जाए, कहाँ जा रही हो? अरे इनको भगा दो पहले। ओ यस बच गया, नहीं बचा। ओके 27 सेकंड्स बचे हैं, देखना है कौन जीतेगा। ओके यहाँ पे ये दो लोग हमारे इधर आके मैप कैप्चर कर रहे हैं, ऐसा सोच भी कैसे लिया इन्होंने। ओ बच गया। तू चला के देखा, वो अभी उधर की तरफ है। एक तो इस वाले के अंदर जब भी नहीं कर सकते ना कभी कभी, वो जब सोच के वहाँ पे बॉम्ब पे दबा देता हूँ। अरे कहाँ यार दीपा, ओके गया वो। और ये लास्ट फ्लैग मैंने कैप्चर किया, प्लीज़ अभी और कोई कैप्चर नहीं कर पाया। और ये सीसी के साथ 7-5 मतलब ओके 6 हो गए। ये क्या हो रहा है, 6-5-4-5 अब 6-5 6-6 मतलब ये राउंड ख़त्म होने के बाद भी आगे बढ़ी जा रहा है वो, बहुत सही। लेकिन फिर भी ओके इस राउंड में हम क्वालिफाई कर गए, बहुत ही बढ़िया था ये। ओके तो अभी मेरी टीम जीती है, तो अभी मेरी टीम के सब लोग आगे बढ़ेंगे और अब हम सबको एक दूसरे के अगेंस्ट हो जाना पड़ेगा। और साथ में ये थर्ड राउंड है तो इसलिए इसमें सिर्फ एक ही क्वालिफाई होगा। ओके जंगल रोल, मुझे अभी भी याद है, अभी इस न्यू जब मैंने दोबारा से स्टंबल गाइस खेलना स्टार्ट किया है इस न्यू आईडी पे, तो फिर इसमें मुझे अभी भी याद है जो जिसमें मैं सबसे पहले जीता था ना, जिस मैं आपको खेल के वो यही था, मैं सबसे पहले इसी में जीता था, वो मेरी एक शॉर्ट वीडियो के अंदर इंक्लूडेड है। ओके यहाँ से हट। वैसे गाइस एक और बात मैं आप लोगों को बता दूं, अरे लोगों अभी अभी थोड़ा सीरियस मामला चल रहा है, अभी नहीं बता सकता, तो अभी बता दो कि थोड़ा अभी ही बता देता हूँ क्या सीरियस मामला। तो वो एक और बात बता कि अगर शॉर्ट वीडियो मैं किसी अपनी वीडियो के अंदर से निकाल के डालूं तो उसमें मेरी आवाज़ नहीं होगी, मैं अपनी आवाज़ को हटा दूंगा और म्यूट कर दूंगा या फिर कुछ भी किसी की। अरे अरे ध्यान से, नहीं नहीं मरना नहीं मुझे। ओ बच गया, अगर अभी मैं यहाँ से गिर जाता ना तो क्वालिफाई हो ही नहीं पाता, क्योंकि ये लोग अभी ऐसे आगे बढ़ रहे हैं। अरे अरे दलदल में ना गिर जाऊँ। ओके ओके ध्यान से, अरे ओके यहाँ बाल बाल बचाऊँ मैं, इतना बढ़िया लक है मेरा अभी। ओ सही में मैं जीत गया, ओ माय गॉड, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं ऐसे क्वालिफाई कर भी गया। ये जो बंदा है ना साइड में, ये क्या चीकी चू जो क्या नाम है इसका, ये बंदा अभी अंदर आने आ रही वाला था कि एकदम से मैं अंदर पहुँच गया। दो बार मरते मरते बचाऊँ मैं, नहीं आई मीन एक बार मरते मरते बचाऊँ, अगर दूसरी बार मैं उस कीचड़ में नीचे गिर जाता ना तो मैं बच नहीं पाता। ये एक बहुत ही बढ़िया विक्ट्री थी, आई थिंक सो मुझे इसका स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए। गाइस बस आज के लिए सिर्फ इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना, और मैं चलता हूँ, बाय। The sun.